हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ बनाई हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप भी उन स्टेप को फॉलो करके बहुत ही आसान तरीके से आप कभी भी कहीं भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ को बना सकते हैं और उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सकें और आप भी बहुत ही आसानी के साथ कभी भी कहीं भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बना सकें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है। मैंने पहले से ओपन कर लिया है। यहाँ से मैं जो फ़ोटोज़ पहले से बनाया है इसको मैं यहाँ से नो कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ, इसको भी डोंट सेव कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे ब्लैंक एरिया में कहीं भी आपको डबल क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन को और अपनी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है कि कहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ है, आपको लोकेशन चूज करनी है। मेरी डाउनलोड फोल्डर में है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेना है। यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ, इस टूल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप अपने कंट्रोल प्लस की मदद से इस फोटो को बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस की मदद से इस फोटोज को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि ये हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस फोटो को थोड़ा सा साफ सुथरा करना होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कंट्रोल प्लस एम। अब जैसे ही कंट्रोल एम दबाते हैं तो यहां पर कर्व टूल आ जाता है। इसको हमें इस लाइन को थोड़ा सा बीच से ऊपर नीचे करना होता है ताकि हम अपने हिसाब से इसको हाईलाइट या डार्क कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है, मैंने थोड़ी सी इसको कर्व कर दिया और इसको ओके कर देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस बी करना है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कलर बैलेंस करना होता है। इसमें आपको ब्लू येलो जो भी आपको इसमें चाहिए होता है वो आप यहां से कलर कम ज्यादा करके अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू होता है, इससे क्या होता है, इसमें भी आप कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको कम ज़्यादा करके आप इसके लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर यहाँ से बहुत सारे कलर दिए रहते हैं तो जिस कलर को आपको आवश्यकता हो उस कलर को आप इधर उधर करके आप सेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, यहाँ पर हमने तीन चीज़ें कर ली, कंट्रोल एम, कंट्रोल बी, कंट्रोल प्लस यू। अब इसके बाद कंट्रोल एल होता है, इससे क्या हम इसका लेवल्स मिला लेते हैं कि थोड़ा सा लेवल से अगर कम ज़्यादा करना हो, डार्क वगैरह लाइट वगैरह करनी हो तो आप इसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये हमने चार स्टेप इसमें बता दिया। कंट्रोल प्लस बी से आपका कलर बैलेंस होता है, कंट्रोल एल से लेवल्स मिलाते हैं, कंट्रोल यू से आप कलर को सेट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस एल से लेवल्स वगैरह मिला सकते हैं। इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर आपकी फ़ोटो में पिक्सल फट रहे हैं यानी कि आपके हल्के से ये धुंधलापन आ रहा है तो इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको ब्लर करना होता है। तो ब्लर करने के लिए आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर मेनू बार में चले जाना है। यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ब्लर का ऑप्शन दिया रहता है और ब्लर के ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। तो मैं यहाँ पर स्मार्ट ब्लर पे क्लिक कर देता हूँ और स्मार्ट ब्लर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी ये सब कुछ ऑटोमेटिक सेट रहता है, इसको सिर्फ हमें ओके कर देना होता है। अब यहाँ पर देखिए ये फोटोज हमारा थोड़ा सा ये ब्लर हो चुका है और थोड़ा सा साफ भी हो चुका है। अब क्या करना है, अगर आपको शार्पनेस करनी है, थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी है, थोड़ा सा शार्पन करना है तो इसको यहाँ पे हम दोबारा से फिल्टर में जाते हैं और यहाँ से शार्पन पे क्लिक करके यहाँ पे शार्पन मोर पर क्लिक कर देते हैं, ये थोड़ा सा शार्प हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फोटो जो हमारा पूरी तरीके से बन चुका है, मुझे शार्पन नहीं करना है, इसको मैं कंट्रोल जेड करके बैक कर देता हूँ। अब इस फोटोज़ को हमें क्या करना है, काटना है। तो काटने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप करना होता है। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर टूल दिया रहता है, ये सी से भी आता है और आप यहाँ पर क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके यहाँ पर इस टूल को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्रॉप टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर विथ और हाइट हमें क्या करना है, डालना होता है। तो सबसे पहले हमें विथ को डालना होता है, तो विथ हम यहाँ पे डालते हैं 1.2 इंच और हाइट डालते हैं 1.5 इंच। इतना डालने के बाद यहाँ पर रेजुलेशन हमारा 300 होना चाहिए, ये चीज़ आपकी एकदम फिक्स होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी आपने गलत कर दिया तो आपकी फ़ोटोज पासपोर्ट साइज़ की बनेगी नहीं। और यहाँ पर आपका पिक्सल में इंचेज या फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सीधे सिंपली आपको माउस से इसको ड्रैग करना है, इधर कॉर्नर की तरफ ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। आप अपने कीबोर्ड से लेफ़्ट और राइट अप डाउन बटन की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, जितने पे आपको इसकी आवश्यकता हो उतने पे सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल एंटर की दबाता हूँ, यहाँ पर ये हमारी फ़ोटो जो है पूरी तरीके से क्रॉप हो चुकी है। अब इस फोटोज़ पे हमें करना होता है बॉर्डर अप्लाई। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस ए करना है अपने कीबोर्ड से, या फिर आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें स्ट्रोक लगाना है। तो स्ट्रोक लगाने के कई तरीके होते हैं, या तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करके यहाँ से
स्टॉक लगा सकते हैं, या फिर आप एडिट में जाके यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ से भी आप स्टॉक लगा सकते हैं। स्टॉक के विथ जो होती है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो मैक्सिमम होती है वो आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मिनिमम आपकी कम से कम एक होनी चाहिए, एक पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। फ्रेंड्स ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा बॉर्डर पूरी तरीके से अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल प्लस डी करके इसको डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं दोबारा से इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी करता हूँ ताकि ये हमारा फोटो जो है पूरी तरीके से कॉपी हो जाए सेलेक्ट होकर के, और कंट्रोल एन करके हमें एक नया पेज लेना होता है। अब पेज यहाँ पर आपको कस्टम पेज में यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेज दिए रहते हैं, बाई डिफ़ॉल्ट आपको 4:6 पे निकालना है, या 5:7 पे निकालना है, या 8:10 पे निकालना है, या 2:3 पे निकालना है। तो जो भी साइज़ आपको चाहिए वो साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे A4 साइज़ पे निकालना है, बहुत सारी फ़ोटोज़ निकालनी, तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोटोज़ का जो नया पेज है वो हमारा आ चुका है, और इस पेज को हम थोड़ा सा यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, और कंट्रोल प्लस की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, जो मैंने कंट्रोल सी की मदद से कॉपी किया था उसको हम कंट्रोल प्लस वी की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखिए टूल्स में यहाँ पर दिया गया है मूव टूल, यहाँ पर क्लिक करते ही ये हमारे सामने इस प्रकार का बॉक्स आ जाता है। अगर ये बॉक्स नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों टिक नहीं लगे हुए हैं, इन दोनों पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने से यहाँ पर आपका बॉक्स जो है वो पूरी तरीके से शो होने लगता है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, लाइन पर नहीं क्लिक करना है, आपको फोटो में जहाँ पे ये खाली स्पेस रहता है यहाँ पर क्लिक करके इस फोटो को आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए आपको इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी हमें कॉपी बनानी है। तो कॉपी बनाने के लिए या तो आप कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहीं पे हम अल्ट दबा के इसको खींचते हैं। अब अल्ट दबा के खींचते हैं तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे चला जाता है, तो हमें शिफ्ट वी दबा देना है। इससे क्या होगा, हमारी फोटोज एकदम सीधी एकदम ड्रैग होगी, एकदम इधर उधर तिरछा नहीं होगी, एकदम सीधी सी हमारी फोटोज ड्रैग हो जाएगी। अभी क्या करना है, हमें एक और बनानी है, तो यहाँ पर अल्ट शिफ्ट दबाकर मैं इसको एक और बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी 3 फोटोज यहाँ पर आ चुकी हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इन तीनों लेयर्स को हमें आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस ई की मदद से यहाँ पर तीनों लेयर को ऐड कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारी तीनों लेयर ऐड हो चुकी हैं। अब हम किधर भी इन फोटो को ड्रैग करेंगे तो ये हमारी तीनों साथ में जाएंगी। अब हमें इसकी और कॉपी बनानी, तो अल्ट के साथ जैसे ही खींचते हैं और शिफ्ट को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी डबल कॉपी यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस ई की मदद से इन दोनों लेयर को आपस में ऐड कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, हमें नीचे की तरफ लाना है, तो हम अल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए इधर नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमारी 2 सेट रेडी हो चुके हैं। मैं दोबारा से अल्ट और शिफ्ट के द्वारा इसको खींचता हूँ और इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेता हूँ। अब कंट्रोल प्लस ई की मदद से इन दोनों लेयर को ऐड करना है, तीनों को नहीं ऐड करना है, ताकि आपका पेज जो है वो पूरी तरीके से फिल हो जाए। अब मुझे क्या करना है, अल्ट और शिफ्ट के द्वारा फिर से नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको ड्रैग करके बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने A4 साइज़ का बताया है, अगर आप 5:7 लेते हैं या फिर कोई भी आप साइज़ लेते हैं तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको बना सकते हैं। जैसे 4:6 का लिया, इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे 4:6 का जो पेज है इसके ऊपर भी आप कंट्रोल प्लस वी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटोज आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 फोटोज हमने रख ली। अब इन दोनों फोटो को मैं यहाँ से ड्रैग करके बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको फोटोज बनानी है वैसे आप यहाँ पे सेट करके बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, अब हमें प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करना है। अब यहाँ पर मेन सेटिंग हमारी आती है कि हम पेज को सेट कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो दिक्कत कर जाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उन पेज को सेट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे फ़ोटोज हमारी कट जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्केल टू फिट मीडिया, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोटोज जो है ऑटोमेटिक अपने आप फिट यानी कि सेंटर में आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है पेज सेटअप, पेज सेटअप पर क्लिक करते ही अब जो प्रिंटर आपका यहाँ से पहले से इंस्टॉल होगा उसका यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है। तो मुझे मैंने A4 साइज़ का बनाया, तो यहाँ पर मैं A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा A4 साइज़ का पूरा फोटो जो है पूरी तरीके से सेट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करना है। अब प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ब्रदर DCP-T310 प्रिंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा प्रिंटर ये लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पर फोटोज़
प्लेन फ़ोटोज़। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर मैं ब्रदर बीपी 71 फ़ोटो पेपर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ नॉर्मल की जगह पे हाई कर देता हूँ और यहाँ से ओके करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ये हमारा फ़ोटो जो है पूरी तरीके से प्रिंटिंग प्रोसेस में चला गया। अब आपको प्रिंटर में अपने फ़ोटोज़ के पेपर को लगाना है, लगाने के बाद वो ऑटोमेटिक खींच लेगा, खींचने के बाद वो क्या करता है डायरेक्ट फ़ोटोज़ आपकी प्रिंट होकर बाहर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।